a bit harder, a bit harder, yo. I'm a rider, provider, bring the heat. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और वीडियो क्लिप स्टार्टिंग में जैसे देखे हैं और डिस्प्ले पे भी अभी शो हो रहा है कुछ इस टाइप का वीडियो, अभी बहुत ही ज्यादा रैंक कर रहा है, मतलब इस टाइप का वीडियो बहुत ही ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत ही ज्यादा कभी इस टाइप का जो वीडियो बना है बहुत ही ज्यादा मात्रा में वीडियो वायरल हुई है फ्रेंड्स। और इस टाइप का वीडियो बनाना बहुत ही ईजी है, जितना दिख रहा है हार्ड उतना हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। सिर्फ बनाने का स्टेप मालूम होना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है, आज मैं बताने वाला हूँ कि इस टाइप का वीडियो आप कैसे बना सकते एक बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल टाइप से, एकदम परफेक्टली कैसे बना सकते हैं कुछ इस टाइप का जो दिख रहा है फ्रेंड्स, आप कैसे बना सकते हैं, कैसे शूट करना है, सारा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ ए टू जेड फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें हमारे चैनल पर, अगर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इसी टाइप का और भी वीडियो देखने के लिए तो चले ज्यादा देरी नहीं करते, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को दो भाग में शूट करना है कुछ इस टाइप से। एक भाग में पहले क्या करना है, आपको जैकेट को या कुछ भी शर्ट वर्ट को ऐसे फेंकना है जमीन पे, ठीक है। और जमीन पर फेंकने के बाद कुछ टाइम तक वेट कर लेना वहीं पर। उसके बाद फिर से आपको क्या करना, उसी शर्ट को, ठीक है, जिस शर्ट को आप फेंक रहे हैं उसी शर्ट को पहन लेना, या जैकेट वगैरह जो भी है पहन लेना, और इस टाइप से कुछ एक्टिंग करके खड़ा होना है, ठीक है। खड़ा होने के बाद दो भाग में शूट हो जाता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस काइन मास्टर में करना है। तो चलिए मैं काइन मास्टर पर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको बहुत इजी स्टेप में फॉलो करना है। तो सबसे पहले जिस स्टेप से मैंने वीडियो को शूट करने के लिए कहा था उससे शूट कर लेना, उसके बाद प्लस वाला आइकन को टच करना, 9:16 वाले रेशियो को ले लेना है, और जो वीडियो आपने शूट करी है उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना था। चलिए मैं टैग से इम्पोर्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स। और कुछ इस तरह का जो वीडियो मैंने इम्पोर्ट बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रेंड्स, इसमें हमको बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट मतलब कट कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं कट कर लेता हूँ। तो कहाँ से मैंने शूट मतलब कि वीडियो को एग्जैक्ट छोड़ा है वो देख लेता हूँ फ्रेंड्स। तो कुछ यहाँ से मुझे वीडियो को कट लगाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पार्ट को कट लगाने के बाद फ्रेंड्स छोड़ने के बाद मुझे इतना तक रखना है, ये बस इतना दूर तक, ठीक है फ्रेंड्स। इतना तक रखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर स्प्लिट टू प्ले हेड कर देना, और जो इधर वाला भाग है फ्रेंड्स एक भाग इसको बना के, और फ्रेंड्स इसको क्या करना है इम्पोर्ट कर देना। तो इस वाले भाग को पहले डिलीट कर देना और इतना बना के, और तो फ्रेंड्स जब इतना कट हो जाए तो आपको क्या करना है, अब फिर से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, और क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद मेरे वीडियो एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वीडियो का मेरा वीडियो का लिंक है, उसको क्या करना, डाउनलोड करने के बाद मेरा जो वीडियो वहां पर ले आना है आपको, और लाने के बाद फिर सिंपली से क्या करना है, ध्यान से देखना, इस वाले मतलब वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करने के बाद आपको यहाँ इसका जो साउंड है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, ऑडियो को, क्योंकि ऑडियो के हिसाब से आपको वीडियो को मैच करना है। तो यहाँ से ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना, और जैसे ऑडियो मेरा यहाँ से है तो वीडियो को भी थोड़ा एडजस्ट करके और ऑडियो को बराबर रख लेना है। तो जैसे कि यह है तो इस वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ मैं, ताकि वीडियो ऑडियो को सेम टू सेम मैच कर जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा जो वीडियो है पूरी तरह ऑडियो के साथ साथ मैच कर चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो अब वीडियो को क्या करना है कि सिंपली से शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, फिर से प्लस वाले आइकन को जाना है, 9:16 वाले रेशियो को लेना है फ्रेंड्स, और अब आपको क्या करना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना है और फिर से उसी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है जो वीडियो आपने शूट करी थी कैमरा से, ओपन कैमरा से। तो शूट करने के बाद जो इस वाले भाग को जो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से जब बैठ रहे हैं, बैठने के बाद जब खड़े हो रहे हैं वहाँ तक आपको कट लगाना है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो इस वाले हिस्से को यहाँ से कट लगाना और इतना दूरी रखना है मेरे को, ठीक है। और इस वाले भाग को कट लगाने के बाद थोड़ा स्लो फास्ट करना है तो ताकि वीडियो अच्छा से लगे। तो इस वाले कट लगा देना और इस पर आपको क्या करना है, स्पीड कर देना है। स्पीड तो है ही फ्रेंड्स, अब आपको इसका क्या करना है, इस पर स्लो मोशन दे देना, ठीक है, स्लो मोशन दे देना है और इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना, ठीक है।
तो फ्रेंड्स दोनों भाग जब वीडियो का तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन को जाना, 9:16 वाले रेशियो पे जाना। आप जो भाग आप पहले एक्सपोर्ट करके रखे हुए थे उस वाला भाग को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। तो चलिए मैं इंपोर्ट करता हूँ फटाक से। जैसे वीडियो इंपोर्ट हो चुका है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि आप जहाँ से पेड़ को मार रहे हैं, ठीक है, ये जमीन पे मार रहे हैं, उसके बाद वहाँ वीडियो को स्टॉप करना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना, मीडिया वाले ऑप्शन पे जाना, और वीडियो को आप जब लास्ट सेकंड वाले भाग को एक्सपोर्ट करी थी उस वीडियो को यहाँ इंपोर्ट कर देना। इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है इस वीडियो पे, और इस पर जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर जो फोर्थ नंबर ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा, 5 नंबर जो ऑप्शन आ रहा है उसको लगाना है फ्रेंड्स। और लगाने के बाद थोड़ा यहाँ से खींच के और एडजस्ट कर लेना है। वीडियो थोड़ा प्ले करके देख लीजिए कुछ इस तरह से है ये, ठीक है, बहुत ही सही है फ्रेंड्स। इसका एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना, इस वीडियो का जितना भी एक्स्ट्रा भाग है। अब वीडियो में और एक इफेक्ट देना है, ठीक है, वीडियो को क्लिक करना, इन एनिमेशन में आपको कौन सा इफेक्ट डालना है आप देख सकते हैं, वाइप ऑफ, ठीक है, वाइप ऑफ डाल देना ताकि और भी बेहतरीन लगे। देखिए देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे कर देना वीडियो को, इस तरह से एडजस्ट कर लेना ताकि बारीकी से लगे आपको, बहुत ही मस्त सा बन गया फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर वाले ऑप्शन पे जाना है और वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपका काम बच जा रहा है। आप और एक मेरे वीडियो में इफेक्ट देखे थे, जब मैंने जमीन पे पैर मारा तो जमीन हिलने लग गया था, तो वो वाला इफेक्ट आपको क्या करना है, उस इफेक्ट को लाने के लिए आपको सिंपली से टिकटॉक पे ही मिल जाएगा। टिकटॉक वाले मतलब इफेक्ट टिकटॉक पे वीडियो को डालना और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना, उसके बाद आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे शो हो रहा है, इस इफेक्ट पे जाना है फ्रेंड्स, सेक इफेक्ट, और इसके साथ और एक इफेक्ट है सुनो, मतलब स्पेशल टाइप का इफेक्ट है जो हिलने वाला, सेक के बगल में ये इफेक्ट मिलता है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे, तो इस इफेक्ट पे जाना है, उसको लगा देना वहाँ पर, बहुत ही परफेक्टली बन जाएगा। और इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट मतलब कि पोस्ट कर देना, आपका जो वीडियो बहुत ही जल्दी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो आई होप वीडियो बनाना सीख ही गए होंगे कम्प्लीटली फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ, हमारे चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।